जी प्रभु जी, मेरे कहने का आशय ये था कि कार्य कारण और समय का बहुत संबंध है और नियति तय करती है कई चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का अगर प्रारब्ध है तो माता पिता से वो अपना कार्य करा लेंगे। अगर उनके प्रारब्ध में है, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी माता पिता के पास, पिता इतना पुरुषार्थ करेगा कि उनके लिए जो वो चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए वो आपके जीवन में आ जाएगा और आप उन्हें देंगे या कहिए कि वो ले लेंगे। और उनके प्रारब्ध में नहीं है तो आप रखे रहिए खजाना अपना, मैं ये करूँगा ये करूँगा बच्चों के लिए करूँगा, बच्चे उसका उपभोग भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं लेकिन इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको बात इसलिए कही कि जब मैं 2 वर्ष के लिए हिमालय गया तो ये प्रश्न मेरे सामने भी आया, परिवार के सामने। बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई की बात है, सबका है, कैसे जाएगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, इस तरह के प्रश्न हमारे सामने भी आए। लेकिन जब आप उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मान के चलते हैं कि आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला कोई और है, अगर आपने कुछ जोड़ा है पुरुषार्थ से तो शायद वो इस समय के लिए जोड़ा होगा क्योंकि अब वो काम आएगा। आप 2 वर्ष के लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करके जाएं कि आपका परिवार किसी पर आश्रित ना रहे 2 वर्षों के लिए। प्रभु ने ऐसी कृपा की, ऐसे साधन बने, ऐसे संसाधन बने, ऐसे कुछ काम भी मिल गए यात्रा के साथ साथ 2 वर्षों की, कि किसी की कोई परेशानी नहीं हुई। जो शंकाएं थी लोगों के दिमाग में थी, हमारे दिमाग में नहीं थी। प्रश्न थे वो लोगों के दिमाग में थे और जब मैं लौट के आया तो प्रश्न अपने आप खत्म हो गए। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कई हमारे मन में प्रश्न होते हैं और जब हम एक स्थिति में आते हैं तो वो प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन प्रश्न मूल्यहीन हो जाते हैं। तो प्रभु जी, जब हिमालय जाने की बात हुई तो मुझे हिमालय का बहुत ज्ञान नहीं था 2008 में, तो मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत विस्तार की कहानियाँ हैं। बात तो आज हो रही है भविष्यवाणी की, आने वाले समय को क्या हमारे महापुरुष देख पाते हैं। मैं उसमें आपका अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, एक नहीं 10 अनुभव है कम से कम संत महात्माओं के साथ, मैं एक आज साझा कर रहा हूँ। तो मुझे हिमालय जाना था तो फिर हरिद्वार गए, तो ये इच्छा हुई कि पहले चारों धाम की यात्रा कर लें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद कहीं हिमालय में जाके रहेंगे। और इच्छा ये हो रही थी पूरा हिमालय देखना है, उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और वहाँ पे जो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ का जो वो नॉर्थ ईस्ट वाला वो हिमालय देखेंगे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम हुआ है। अरुणाचल ऐसे है अष्टमा की चांद की तरह, अष्टमी का चांद। इधर है तवांग मॉनेस्ट्री है जहाँ से तिब्बत जुड़ा हुआ, पूरा तिब्बत तो पूरी सीमा जुड़ी हुई है तवांग मॉनेस्ट्री, इसलिए बता रहा हूँ कि सब जानते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल अंतिम छोर पर है परशुराम कुंड जहाँ परशुराम जी ने साधना की है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम है। लेकिन वो सब बातें करेंगे तो मुझे तो लगता है सब चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ, समय का नहीं पता। बाबा जी कहते हैं तैयारी रखो पूरी तरह से, तो मेरी पूरी तरह से तैयारी है, तो लगता है तैयारी है तो पूरी बातें आपसे रख लूँ। किसके लिए रख लूँ? संसार के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो बाबा जी से जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए अपनी सब बातें आपसे शेयर कर लूँ। तो प्रभु जी हम हरिद्वार पहुँचे तो किसी ने मुझे बताया कि वहाँ एक संत हैं मौनी बाबा, वो कई वर्षों हिमालय रहे, उन्होंने बहुत तपस्या की, मौन रहकर साधना की और अब वो आके हरिद्वार में एक आश्रम के में रहते हैं, मौनी बाबा आश्रम का नाम है। हम गए वहाँ पर, उनसे मिलने की भी एक घटना है, वो भी एक संयोग है, विचित्र घटना है। अगर वो घटना पे आ जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, मैं आपको संक्षेप में बता दूँगा, ये बातें बाद में किस्तों में आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप मुझे याद दिलाते रहना। ये जो बातें बीच बीच में छोड़ रहा हूँ ना, तो कभी आप मुझे मैसेज से याद दिला देना कि उनके बारे में बताओ तो मैं फिर आपको बताऊँगा। इन दिनों में आप घर में हैं ना तो बताऊँगा, आगे बताऊँगा। जैसे मौन का भी एक पार्ट रह गया है, कल जो लोगों की जिज्ञासा आई ना कि शोर था, आप नए सिरे से कमरे के अंदर बैठ के बताइए, हम आपके साथ मौन साधना करें। प्रभु जी यही तो है, पढ़ने पढ़ाने में
और पढ़कर बताने में और चिंतन करने में बहुत अंतर है। वो एक प्रयोग था, इस शोर के बीच में मौन रहें, ध्यान करें, शोर को आत्मसात कर लें। ग्रस्त में रहते हुए 24 घंटे मौन कैसे रह सकते हैं, ग्रस्त में रहते हुए 24 घंटे ध्यान कैसे कर सकते हैं, ये मुझे आपको बताना था उसका दूसरे पार्ट में। तो वो जो शोर था वो आपको बताना था कि देखो ये शोर हो रहा हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और कैसे मैं विचारों से मुक्त हूँ, विकारों से मुक्त हूँ, जब मैं हूँ तो आप भी हो सकते हैं, ये आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो प्रभु जी, बाबा जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ बताइए, हिमालय में कुछ ऐसे संत योगी महात्मा, मेरी तो प्यास दूसरे तरह के लोगों की है, आप जानते हैं, तो आप मुझे बताएं। उन्होंने संकेत दिया, देखिए मेरा भविष्य वो जानते थे, आने वाली घटनाएं वो जानते थे, लेकिन उन्होंने केवल संकेत दिया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कल तो मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा, पहले यमुनोत्री की यात्रा कराओ। क्रम तो वही होता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, इस पर भी कभी बाद में चर्चा करेंगे। मेरा बद्रीनाथ का टिकट था, शेयर टैक्सी से बुक था टिकट, लेकिन प्रभु जी जब आप किसी संत से मिलते हैं, जब आप उसके ऑरा में आते हैं, जब उसके आभा मंडल में आते हैं, और आपको लगता है कि इससे मिलने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो फिर आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है, और विश्वास के साथ फिर जो संत कहता है वो आप करते हैं, आपको भी करना चाहिए। हमने बद्रीनाथ की यात्रा कैंसिल कर दी और हम दूसरे दिन यमुनोत्री चले। यमुनोत्री में दर्शन किए, तो यमुनोत्री में जब आप दर्शन करने जाते हैं ना, तो एक तो यमुनोत्री का जो उद्गम है, मंदिर है वहाँ यमुनोत्री में यमुना माता जी का, और उससे बराबर में लगा हुआ एक और मंदिर है, हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, बिल्कुल लगा हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये यमुनोत्री है और ये हनुमान मंदिर है। वहाँ पर एक संत रहते थे, वर्षों से उन्होंने वहाँ साधना की, 40 वर्षों से वो वहीं थे, मुझे उनके दर्शन हुए, उनसे कहा कि मैं तो रुकना चाहता हूँ। सब लोग दर्शन करके आ जाते हैं ना, गए मत्था टेका और आ गए वापस, सुबह गए दोपहर को वापस आ गए। हमारी प्रभु जी इच्छा होती है जहाँ भी जाते हैं, जब तक तृप्त ना हो जाए मन, कोई भी कार्य करो जब तक पूरा मन तृप्त ना हो जाए, जब तक आनंद ना आ जाए, जब तक आप अंदर के आनंद के महासागर में डुबकी ना लगा लें, उस आनंद को इस आनंद से जोड़ ना लें, तब तक मेरी तो जाने की इच्छा नहीं होती है। तो प्रभु जी, मैंने उन महात्मा जी से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ मिल के। उनकी वहाँ नीचे कमरे बने थे, धर्मशाला भी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ रुक जाओ, मैं रुक गया कमरे में। तो जहाँ मैं रुका था, तो मेरे बराबर के कमरे में एक महात्मा जी रुके थे। चर्चा हुई, उन्होंने पूछा मेरे बारे में, कहाँ है, कहाँ आश्रम है, वही तो जो मैं सबसे कहता हूँ कि मेरा तो कुछ नहीं है और सब कुछ मेरा है। जब उन्हें पता हुई कि मेरी जिज्ञासा है योगियों से, संतों से मिलने की, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी के गुरु इस यमुनोत्री में ऊपर कुटिया में रहते थे, और मैंने 10 वर्ष पहले अपने गुरु जी के साथ आके उनके दर्शन किए थे। अभी मेरे सदगुरु का शरीर नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा होती है उनसे मिलने की, और मैं पिछले 3 वर्षों से आ रहा हूँ, 1 सप्ताह तक यमुनोत्री के पूरे क्षेत्र में विचरण करता हूँ, कहीं कहीं मुझे खबर मिल जाती है कि महात्मा जी थे, उन्होंने जगह बदल ली, वो जगह बदलते रहते हैं अपनी, और मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन वो परम चेतन संत हैं, जो उनकी बातों से, जो उन्होंने उनके बारे में बताया, उन्होंने कहा कि उनका शरीर बताया, 6 फुट से ज़्यादा शरीर है, 1 वाइट वस्त्र पहनते हैं, गुफाओं में रहते हैं, विचरण करते हैं, 20-25 वर्षों से नीचे नहीं आए, लोगों से नहीं मिले, और उन्हें उनके दर्शन नहीं हुए पिछले 3 वर्षों से। मेरे लिए तो प्रभु जी ये खबर बहुत थी, खबरों से तो मेरा बहुत संबंध रहा है, कि छोटी सी खबर मिल जाए उसको विस्तार करना तो आपके ऊपर होता है। दूसरे दिन सुबह हम निकल गए, जो उन्होंने रास्ता सब बताया था, मेरे मांगने था कि ऐसे ऐसे जाते हैं, आप पहले यमुनोत्री जाते हैं,
फिर आप लौट के बीच में से बर्कोट होते हुए आप गंगोत्री जाते हैं, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। लेकिन एक ऊपर ऊपर से भी रास्ता है, ऊपर से दो रास्ते हैं यमुनोत्री से गंगोत्री पहुंचने का। एक तो ग्लेशियर से होके है और एक ऊपर ही ऊपर, वहाँ कोई लोग नहीं जाते, छोटे छोटे से गांव हैं, फिर वो हैं चढ़ाई है, जंगल है, और करते हुए गंगोत्री पहुँचते हैं ऊपर पहाड़ी पे। यमुनोत्री से ऊपर जाके फिर नीचे उतर के एक रास्ता उन्होंने जो बताया, मैं उस पर चला गया। प्रभु जी उत्साह रहता है, पहली बार हिमालय की इस तरह की यात्रा हो रही थी, चढ़ाई, रास्ता कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, गांव तो सब नीचे रह जाते हैं। और प्रभु जी सुबह 7 बजे निकले और 3 बजे तक घूमते रहे, कोई दर्शन नहीं, गुफाएं मिली, हर गुफाओं में देखा, एक गुफा में कहीं लकड़ी राख देखी, लगा कोई रहा होगा, ऐसे बहुत स्थान देखे। ये जो गुफाएं होती हैं, जब मैं बात करता हूँ तो गुफाओं का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा पत्थर आके गिर जाए, बड़ा सा विशाल पत्थर, जैसे यहाँ भी कुछ पत्थर है, कल भी आपने देखा था एक पत्थर, तो उस पत्थर जब गिर जाता है तो वो नीचे से उसको थोड़ा सा रास्ता बना लेते हैं योगी, झाड़ लगा लेते हैं, और वो 10x6 10x4 ऐसे गुफा बन जाती है, वहाँ रहते हैं साधना करते हैं। तो जब 3 बजे तक दर्शन नहीं हुए तो प्रभु जी लगा कि अब तो वापस चलते हैं, तो कोई नहीं है, मेरा प्रारब्ध मेरे भाग में नहीं है, कार्य कारण का संबंध है, अभी समय और संयोग नहीं है, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। क्योंकि जब आप कोई उत्साह में होते हैं, किसी कार्य की तरफ जाते हैं, तो बहुत उमंग होता है, उत्साह होता है, दूरियां, अवरोध आपको अवरोध नहीं लगते हैं, आप उनको पार करते हुए पहुंच जाते हैं उत्साह से, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो निराशा आ जाती है, तो शरीर में शिथिलता आ जाती है, स्वाभाविक है। मैंने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, 3 बज गए हैं, भूख भी लग रही थी, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष का मतलब वहाँ छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती है, पत्थर होते हैं, वेजिटेशन नहीं है, लेकिन पेड़ हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए इसी तरह के हैं, और ऊपर जाने पर नहीं है, तपोवन में जाने पर बिल्कुल नहीं है, वहाँ छोटी छोटी सी। प्रभु जी बैठ गए और थोड़ा सा झोंका सा आ गया, तभी देखा किसी संत ने आवाज़ दी, कौन है? आँख खुली तो देखा 50 मीटर की दूरी पर कोई ऊपर वाइट सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ। प्रभु जी दौड़ के जैसे जाते हैं ना, सा एक एनर्जी आ गई, और सीधे जाके मैं तो साष्टांग प्रणाम कर दिया कि प्रभु मैं तो आपको ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था।